नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना में नीतीश कुमार ने डबल डेकर पुल का शिलान्यास किया था, कल किया था, और उस दौरान नीतीश कुमार हाथ जोड़ते नजर आए थे। नीतीश कुमार हाथ जोड़कर दरअसल मांग रहे पत्रकारों से कह रहे थे कि आप 2005 के बाद किए गए कार्यों को दिखाएं मीडिया के जरिए कि मैंने क्या क्या किया है, हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। इस तरह की बात वो कहते नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार हाथ जोड़कर मीडिया से अपील कर रहे थे और नीतीश कुमार चाहते थे कि 2005 के पहले की जो सरकार ने किया है, यानी लालू राबड़ी की सरकार ने, वो उनका किया काम और 2005 के बाद मेरा किया काम, यानी सीएम नीतीश के शासनकाल का जो काम है वो मीडिया दिखाए। इसके लिए नीतीश कुमार हाथ जोड़ते दिख रहे थे मीडिया के सामने। लेकिन अब एक और जेडीयू के बड़े नेता मीडिया के सामने हाथ जोड़ते दिख रहे हैं। जी हाँ, आरसीपी सिंह की हम बात कर रहे हैं। आरसीपी सिंह भी आज मीडिया के सामने बार बार हाथ जोड़ रहे हैं। अभी आरसीपी सिंह गया में हैं और गया में उनका वो रैलियाँ कर रहे हैं, गया में कार्यक्रम हो रहा है उनका, और इस दौरान जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया। अब हाथ क्यों जोड़ा ये बताएंगे। हालांकि कई मसलों पर उनसे सवाल पूछा गया, कई मसलों पर जगदानंद सिंह ने जो कुछ कहा, नीतीश कुमार को कहा कि पाप करता है वो झुंझलाता है, इस तरह की बात की तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया। उसके साथ ही साथ जब इस गोपाल मंडल की भी चर्चा हुई तो उनका क्या जवाब रहा, ये तमाम आपको बयान सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर आरसीपी सिंह बार बार हाथ क्यों जोड़ ले रहे हैं। मैंने बताया ना कि आपने बताया, मैंने सुना है, मैं उसको पता कर लिया। सर एक सवाल है सर कि जगदानंद जो है, राजद के जगदानंद जी, उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है कि पाप का जो पाप करता है वही झुंझलाता है, इस पर आपका क्या कहना है? महान है जिन्होंने कहा है, इसके आगे मैं नहीं कह सकता। सर आप ही के दल के एक नेता हैं जिनका बहुत नाम है मंडल जी, उन पे FIR दर्ज हो चुका है। देखिए, जिस पर FIR दर्ज होता है, FIR का जानते हैं कि उसके अपना तरीका है, FIR दर्ज होता है उस पर जांच होती है, हमें क्या करना है? FIR दर्ज हो गया तो हमको क्या करना है? सर गया को आपसे क्या मतलब उम्मीद कुछ रखा? गया तो गया जानते हैं, शहर आप जान रहे हैं, गया किस प्रकार की धरती है, ज्ञान की धरती है, मोक्ष की धरती है, तो वहाँ से तो हम लोग प्राप्त करते हैं, कोई साधारण जगह नहीं है। भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला है। आप जानते हैं कि दुनिया भर के जितने हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, जहाँ कहीं भी जिस कोने में हैं, सबके दिल में एक अरमान रहता है कम से कम अपने लाइफ टाइम में एक बार गया है। तो गया तो शांति की जगह है, यहाँ लोग शांति पाने के लिए आते हैं, और मोक्ष का तो है ही। और बाकी तो आप जानते हैं, हमारे नेता नीतीश बाबू ने बिहार में जितना सब जगह काम है वो कर रहे हैं, और केंद्र में भी आप जानते हैं सरकार जो NDA की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी सब जगह जितना भी विकास होना है सब पर काम चल रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं 1.5 साल से जो कोरोना का माहौल चल रहा है, अभी भी आप जानते हैं कि बहुत कुछ स्टेट्स हैं वहाँ अभी भी इससे मामला है, तो अभी तो हम सब लोगों को सतर्क भी रहना है और साथ ही ये मनाना है कि भाई कोरोना का काल धीरे धीरे ख़त्म हो। लेकिन ज़रूरी है वैक्सीनेशन का, देखिए कितना अच्छा चल रहा है आज अपने देश में, कितना बढ़िया वैक्सीनेशन चल रहा है अपने प्रदेश में। जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे पास, हमारे जितने लोगों को एक कवच मिल जाएगा। और देखिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जो हमारे नागरिक हैं देश के, उनका जान माल, उसी के बाद में फिर आप बाकी की बात करें। तो देख लिया आपने कि आरसीपी सिंह भी हाथ जोड़ रहे हैं, सवाल का जवाब उनके पास जुट नहीं रहा है। हालांकि नीतीश कुमार तो हाथ जोड़कर मीडिया से गुजारिश कर रहे थे कि उनके काम को दिखाया जाए, लेकिन आरसीपी सिंह हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। और गोपाल मंडल के मसले पर जो उन्होंने कहा कि FIR दर्ज किया गया है, अपना काम किया जा रहा है। हालांकि अगर कोई JDU का नेता इतना बड़ा, अगर कहा जाए कि इस तरह की करतूत को अंजाम देता है, ट्रेन के अंदर नंग धड़ंग घूमता है, और उस मसले को इतने हल्के में अगर लें आरसीपी सिंह, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है।
इस मसले पर आपको याद होगा पिछले दिनों नीतीश कुमार भी भागते दिखे थे और नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो दो दो बार इस मसले पर उन्होंने चुप्पी साध ली। दो दिन लगातार इस पर सवाल हुए उनसे खड़े, लेकिन नीतीश कुमार ने जवाब देना उचित नहीं समझा। और अब आरसीपी सिंह भी सवाल से पल्ला छुड़ाते दिख रहे हैं। पहले तो जगदानंद सिंह के सवाल पर हाथ जोड़ रहे हैं और अब गोपाल मंडल के सवाल पर कह रहे हैं कि FIR या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जांच चल रही है। अब JDU का कोई नेता करतूत करे सरेआम ट्रेन के अंदर, तेजस जैसी स्पेशल ट्रेन जिसमें हजारों यात्री यात्रा कर रहे हैं, और इस बीच जो JDU नेता गंजी और चड्डी पर घूमते नजर आए ट्रेन के अंदर, कैद भी हो गए कैमरों में, और उसके बाद तो बात जब उन्होंने यात्रियों ने जब इसका विरोध किया तो यात्रियों से भीड़ बैठे, गाली गलौज कर दिया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, और उसके बाद और तो और जो खबरें आई, जो FIR दर्ज किया गया उसमें कहा गया कि शराब के नशे में थे गोपाल मंडल जो JDU के विधायक हैं, यानी तमाम तरह के आरोप लग गए गोपाल मंडल पर। लेकिन JDU इन सवालों का जवाब देने से भाग रही है, बच रही है, यही कहा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जवाब नहीं दे रहे हैं और RCP सिंह जो अभी हाल फिलहाल तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, केंद्र में मंत्री हैं फिलहाल, लेकिन वो जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते गोपाल मंडल के सवालों पर, हाथ जोड़ रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं है उनके पास। तो नीतीश कुमार तो हाथ जोड़कर मांग रहे थे मीडिया से, लेकिन RCP सिंह हाथ जोड़कर सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।